हेलो नमस्कार, मैं सचिन सिंह चौहान, डिस्ट्रिक्ट सीधी, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस बार मेरा CGL 2023 में GSO की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 51 प्राप्त हुआ है। इस पूरी जर्नी में मैंने क्या क्या किया, कौन से संघर्ष हमारे लाइफ में आए और किन चीज़ों से लड़कर हम यहाँ तक पहुँचे, आज उस चीज़ के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। हम मेरी जो जर्नी है SSC के एग्ज़ाम के लिए 2020 से शुरू होती है, जिसमें मैंने CGL, CHSL और MTS तीनों का फॉर्म भरा था और तीनों में ही किन्हीं कारणों के बस कारण मैं उसमें असफल रहा, जिसमें CGL 2 मार्क्स से रह गए और CHSL में टाइपिंग के कारण मैं बाहर हो गया और MTS में भी 2 नंबर से ही सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर इसके बाद आता है 2021 का दिन, जिसमें मैंने पूरी जी जान से अपनी तैयारी शुरू की, लेकिन मेरे फोटो ब्लर के कारण 2021 में CGL और CHSL दोनों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए। उस समय मुझे बहुत ही कष्ट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मैंने MTS का फॉर्म स्वयं अप्लाई किया, जिसमें मुझे अच्छे नंबर मिले पेपर के बाद और मेरा फाइनली 2021 MTS में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया उसको और अभी रिसेंट में अभी ज्वाइन भी हूँ। 28 जून 2023 को उसको मेरी ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें भोपाल के सांची मोनूमेंट में के पास मेरी पोस्टिंग हुई है। फिर आया 2022 का, तो 2022 में भी मैंने CGL, CHSL और MTS के लिए फॉर्म अप्लाई किया, जिसमें CGL में टाइपिंग परसेंटेज इरर के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नंबर अच्छे आने के बावजूद। लेकिन CHSL 2022 का मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत AFHQ डिपार्टमेंट प्राप्त हुआ और MTS का मैंने पेपर नहीं दिया। फिर आया 2023 का दिन, जिसमें मैंने फिर से CGL के लिए अप्लाई किया और Tier 1 में अच्छे नंबर आए, जिसमें मैं तीनों लिस्ट में नाम प्राप्त हुआ और फिर मैंने तैयारी की और साथ साथ मैंने एक ऑप्शन रखा कि GSO, जो कि मुझे लगता था कि मैं तैयारी कर सकता हूँ, मैंने उसकी भी तैयारी की और भगवान का आशीर्वाद और थोड़ी मेहनत के साथ मैंने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया, जो अभी रिजल्ट आया हुआ है और मुझे GSO का पोस्ट प्राप्त हुआ है। इस जर्नी में मैंने बहुत चीज़ें फॉलो की हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ आई हैं, जिनको मैं डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। अभी छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तैयारी में अपना आप नोट्स ज़रूर बनाएं, हर एक सब्जेक्ट की कोशिश करें कि नोट्स हो। जिस सब्जेक्ट में आपको कमज़ोरी हो, आप उस चीज़ के लिए कोचिंग करें और कोशिश करें अपने सेल्फ स्टडी पर, जिससे ही चीज़ें अच्छी क्लियर हो पाती हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें स्वयं से ही पढ़ी है और इंग्लिश के लिए मैंने जयदीप सर को फॉलो किया था, मैथ्स के लिए मैंने अर्थमेटिक में अभिनय मैथ्स के माध्यम से उसको मैंने तैयार किया और एडवांस मैंने पवन राव सर से पढ़ा था, यूट्यूब में जो वीडियो थे उसी के माध्यम से। अब बात करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया हूँ। किरण की बुक को मैं तकरीबन 2 से 3 बार मैं लगा लिया था और मॉक भी देना अनिवार्य था। इसी बीच मैंने कोशिश की तो एक प्रैक्टिस पे भी ज्वाइन किया था रेमो मैथ्स के माध्यम से और फिर अंततः CGL 2023 में मैंने हॉलीवुड की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की कि जिससे कोई कसर न रहे। उसका कंटेंट टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, रिलेवेंट होता है, जिससे आप पूरा फोकस अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें हम कभी और करेंगे। सभी को यही है मेरी टिप्स कि आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए और जी जान से अपने गोल पर फोकस रखें।
क्योंकि संघर्ष तो होना ही है और होगा ही, ठीक है ना। तो चलिए, जय हिंद सभी को, मिलते हैं बाद में।